हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजी के बारे में। अकाउंट्स के क्या टर्म कंडीशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं और उसी के आधार पर हमारा कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शंस? आप लोगों को ये पहले ही बतला चुके थे, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स बिजनेस की भाषा है। अगर बिजनेस करेंगे तभी अकाउंट्स के बारे में हम जानेंगे, तभी हम अकाउंट्स को बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे बिजनेस के होने चाहिए। ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स के अलग, ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग टाइप्स हैं। लाइक कैश ट्रांजेक्शन्स, जहां सारे ट्रांजेक्शन कैश से होते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, जहां सारे ट्रांजेक्शन्स हम क्रेडिट के थ्रू करते हैं, उधार में लेन देन करते हैं। बार्टर ट्रांजेक्शन, जहां हम गुड्स से गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं। और पेपर ट्रांजेक्शन्स, जहां पेपर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब है जहां ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड टर्म आप देख रहे होंगे, अकाउंटिंग ईयर। हर एक प्रोप्राइटर अपने प्रॉफिट या लॉस को पता करना चाहता है, तो एक अकाउंटिंग ईयर का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जनरली दो अकाउंटिंग ईयर एप्लीकेबल हैं, एक कैलेंडर ईयर जो जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड करता है, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्लोज करता है। तो अकाउंटिंग ईयर होना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स के लिए। थर्ड टर्म आप देख रहे होंगे, प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स मीन्स मालिक, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। हु टेक रिस्क टू अर्न प्रॉफिट, हु टेक्स रिस्क टू इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर बिजनेस को ही स्टार्ट करता है, वो बिजनेस का मालिक होता है। नंबर फोर्थ, एसेट्स। एसेट्स जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहता है, लंबे समय तक जो हमारे लिए मनी जनरेशन का साधन बने। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विथ अ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। उसे हम एसेट्स मानते हैं। एसेट्स के अलग अलग डिविजन्स होते हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो लंबे समय तक हमारे पास रहे, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्चर्स, प्लांट, मशीनरी, ये लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं, तो ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। एसेट्स का दूसरा डिवीज़न है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जनरली ये तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल होते हैं। मीन्स करंट एसेट्स का अगर हम डिफिनेशन जाने तो दीज इंक्लूड्स दोज एसेट्स विच आर टू बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड फॉर्म लाइक कैश इन अ शॉर्ट पीरियड। छोटे ही समय में जो कैश में कन्वर्ट होने की शक्ति रखता हो, ताकत रखता हो। करंट एसेट्स को हम लोग फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं, करंट एसेट्स को हम लोग सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। एसेट्स का तीसरा कैटेगरी है फिक्टिटियस एसेट्स। क्या होता है फिक्टिटियस एसेट्स? तो सम एसेट्स डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू डेट आर कॉल्ड फिक्टिटियस एसेट्स। जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है वही फिक्टिटियस एसेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एसेट्स के चौथे कैटेगरी को हम लोग इनटेंजेबल एसेट्स के रूप में जानते हैं। इनटेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स।
टेंजेबल एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, लेकिन इनटेंजेबल एसेट्स जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। टेंजेबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, गुड्स, ये सारे टेंजेबल एसेट्स हैं। और इनटेंजेबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सभी इनटेंजेबल एसेट्स के कैटेगरीज हैं। एसेट्स के नेक्स्ट कैटेगरी में वेस्टिंग एसेट्स, वैसा एसेट्स जो वेस्ट हो जाए, जो हमारे लिए फ्यूचर में काम का ना रहे, लाइक माइंस, लीज, ये सारे हमारे लिए फ्यूचर में किसी काम के नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं, वैसे एसेट्स जो कैश में शॉर्ट पीरियड में ही कन्वर्ट कर दिए जाए, उन्हें हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं, लाइक कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सभी लिक्विड एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। पांचवा नंबर पॉइंट में आप लाइबिलिटीज देख रहे होंगे लिखा हुआ। व्हाट इज लाइबिलिटीज, क्या होता है लाइबिलिटीज? द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। बिजनेस के द्वारा जो किसी दूसरे को पैसा दिया जाए उसी को हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं। लाइबिलिटीज को भी हम लोग अलग अलग डिवीजन में बांटते हैं। फिक्स्ड लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लंबे समय तक हमारे लिए लाइबिलिटीज बने रहे। सेकंड कैटेगरी लाइबिलिटीज का है करंट लाइबिलिटीज, जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास रहते हैं, जनरली विद इन अ ईयर, एक साल मैक्सिमम वन ईयर के लिए जो हमारे पास रहे वही है करंट लाइबिलिटीज। तीसरे लाइबिलिटीज का एक कैटेगरीज है कंटीजेंट लाइबिलिटीज, जो एक्चुअल में लाइबिलिटीज नहीं रहते हैं बट मे बी पॉसिबल है फ्यूचर में वो मेरे लिए लाइबिलिटीज बन जाए, इसी को हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पेंडिंग कोर्ट सूट विथ एनी क्रेडिटर्स और डेटर्स, ये सभी जो हैं वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल हैं। नंबर सिक्स में आप देख रहे होंगे कैपिटल। तो व्हाट इज कैपिटल मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। एसेट्स में से टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में से जब हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो हमें कैपिटल पता चलता है। नंबर सेवन इज ड्रॉइंग। व्हाट इज ड्रॉइंग, जब प्रोप्राइटर, जब बिजनेस का मालिक, जब बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉ करता है डेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, उसे हम ड्रॉइंग मानते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आप देख रहे होंगे रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू, क्या है रेवेन्यू? तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू का मतलब होता है द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश आइदर रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन। रेवेन्यू का मीन्स है जब बिजनेस जितने भी तरीके से अपने पास इनफ्लो जनरेट करती है, जो पैसा लाती है, डेट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्च हम करते हैं डेट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। टेंथ नंबर पॉइंट है इनकम। व्हाट इज इनकम, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू कॉल्ड इनकम। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को डिडक्ट कर दें तो हमें इनकम पता चलता है। 11 पॉइंट में हम देख रहे हैं गुड्स है। व्हाट इज गुड्स, क्या है हमारे लिए गुड्स? गुड्स का मतलब होता है जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिस वस्तु का जिसे हम रीसेल करने के पर्पस से परचेज कर रहे हैं उसी को हम लोग गुड्स मानते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि ऑल सच थिंग्स परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन टू रीसेल एट प्रॉफिट इज कॉल्ड गुड्स। हम जिस चीज का व्यापार करेंगे उन चीजों का जो हम
से रीसेल करने के लिए जो हम परचेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं और भी बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है, तो आइए इनके बारे में भी समझते हैं। नेक्स्ट आइटम में है स्टॉक। स्टॉक के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्टॉक इज द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टॉक। हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो अपने पास बचा लेते हैं सामान उसी को हम स्टॉक करते हैं। हम लोगों ने पहले भी जाना कि अकाउंटिंग ईयर होता है, एक टाइम बॉन्ड में अकाउंट्स बनता है, हम ऑलवेज उसी टाइम बॉन्ड में ही अकाउंटिंग प्रोसेस का काम करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। तो जो स्टॉक बच गया है, अनसोल्ड है, जिसे जो बेच बिक नहीं पाया, डेट इज कॉल्ड स्टॉक। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लाइव स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो मेरे बिगनिंग में है, क्लोजिंग स्टॉक जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हो, लाइव स्टॉक जो हमारे लिए जीता जागता स्टॉक हो। लाइव स्टॉक के कैटेगरी में जितने भी हमारे पास काउज हो, हॉर्सेज हो, बफेलोज हो, इन मीन्स एनिमल्स। अगर सपोज हमारा कुछ फार्म हाउस है तो वहाँ पर जो स्टॉक लाइव स्टॉक के थ्रू रहेंगे वो एनिमल्स हैं, वो सभी लाइव स्टॉक के एग्जाम्पल हैं। डेटर्स, व्हाट इज डेटर्स? द पर्सन्स और अ फर्म फ्रॉम हुम द बिजनेस इज टू रिसीव्ड सम अमाउंट आर कॉल्ड डेटर्स। जिससे बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलना हो उसी को हम लोग डेटर्स के रूप में जानते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होगा? तो क्रेडिटर्स का मतलब हो गया द पर्सन और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट इज स्टिल ड्यू आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। मीन्स अगर हम किसी से उधार में कोई सामान परचेस करते हैं, बिजनेस अगर किसी से उधार में सामान परचेस करता है तो फ्यूचर में उसे बिजनेस को, उस पर्सन को पैसा पे करना रहता है। तो बिजनेस के लिए वो पर्सन जो है, वो फर्म जो है, वो क्रेडिटर्स के रूप में माना जाता है, वो बिजनेस का क्रेडिटर्स होता है। प्रॉफिट आइदर लॉस, हम बिजनेस करते हैं लाभ कमाने के लिए, मेरा मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो अगर हमारा इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और इनकम हमारा कम हो तो ये हमें लॉस को इंडिकेट करता है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। बिजनेस ऑलवेज अपने बेसिक टर्म के बेस पर ही चलता है। बिजनेस अगर है तभी अकाउंट्स का वजूद है, इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यापार की भाषा को ही हम अकाउंट्स कहते हैं। हम अकाउंट्स तभी बनाते हैं जब हमारा बिजनेस होगा, अदरवाइज हम अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो सभी लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस हो या ट्रू फॉल्स हो, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।